गौरव सिंह पवार, जनरल सेल्स मैनेजर फ्रॉम टबुल बैटरीज, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे, कि आप लोग टाइम टू टाइम्स मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, देखते रहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से मैं अपनी विचारधारा को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेन, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए, हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। तो मेरा जो आज का मेन इस वीडियो बनाने का पर्पस है वो सिर्फ यही है कि आप अपनी आदत को बदलिए। जब तक आप अपनी आदत को नहीं बदलेंगे तब तक आपके अंदर चेंजेस आना संभव नहीं है। देखिए, आदत में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले दिनचर्या से। जब हम लोग सो के उठते हैं, बहुत सारे लोग आज भी कंटिन्यूसली एक गंदी हैबिट बनाए हुए हैं, देर तक सोना, रात को देर तक जगना। देखिए, बड़ा अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जो लोग देर तक सोते हैं या देर में उठते हैं, उनका उनके अंदर जो एनर्जी थॉट्स आते हैं या एनर्जी वाली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग्स, देखिए अर्ली मॉर्निंग्स में टाइम का बहुत से लोगों का दिमाग आ रहा होगा कि टाइम्स क्या होना चाहिए उठने का। देखिए, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय जो होता है वो एक कॉमन मैन के लिए बहुत बढ़िया है। 5 से 6 बजे के बीच में आप उठिए और अपनी वहाँ से दिनचर्या की शुरुआत कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सो के उठते ही 8 बजे 9 बजे, जहाँ पे जो जल्दी उठने वाले लोग हैं वो अपनी सुबह की दिनचर्या 5 बजे से स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे जो लेजी स्लीपर्स हैं, जो देर तक सो रहे हैं, वो 8 बजे 9 बजे सो के उठ रहे हैं, उसके बाद में वही रूटीन्स काम और वही जल्दी जल्दी सब काम करके अपने काम की तरफ जाना। अब जब देखिए, बड़ा अच्छा हैबिट्स है, सुबह 5 बजे अगर आप उठते हैं, आपका मैं बताता हूँ कितना समय इस्तेमाल हो जाएगा। सुबह अगर 5 बजे आप उठते हैं तो 5 बजे उठने के बाद में आधे घंटे के अंदर आप अपने आप को फ्रेश कर लेंगे। फ्रेश में आप बहुत सारी चीज़ें होगी, आपने वॉक कर लिया, अपने गर्म, जैसे सुबह का हैबिट्स है गर्म पानी पीजिए। सुबह फ्रेश होने के बाद में, टॉयलेट जाने के बाद में आप गर्म पानी पीजिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह उठ के अगर आप सबसे पहले चाय का सेवन करते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। आपको सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश होने के बाद में बासी मुंह, या आप दांत भी मान सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुझे एक्सप्लेन बचपन से किया गया है और जो मेरी हैबिट्स भी है, आप सुबह फ्रेश होके आइए, बिना कुल्ला किए आप गर्म पानी पीजिए। और जिसको कुल्ला करने के बाद पीना तो वो भी पी सकते हैं, लेकिन सुबह की दिनचर्या आप इस तरीके से स्टार्ट कीजिए कि अपना जो दिन है वो सुबह 5 बजे आप उठे, अपने आधे घंटे के अंदर अपने फ्रेश हुए, गर्म पानी वगैरह पिया। अब देखिए उसके बाद समय का चमत्कार, 5:30 बजे तक आप ऑलमोस्ट फ्री हो जाओगे। 5:30 से 6:30 तक का समय अपनी बॉडी के लिए रखिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए रखिए, और अपनी जो दिनचर्या है उसको शुरुआत करने से पहले अपनी बॉडी की एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये 1 घंटे का अपना वर्कआउट रखिए, इस वर्कआउट में आप चाहे जिम कीजिए, चाहे दौड़िए, भागिए, योगास कीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिससे करने से आपकी शरीर ठीक होगा। और जब शरीर ठीक होगा तो डेफिनेटली आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें आनी चालू हो जाएंगी। जब शरीर ठीक नहीं है तो मैं नहीं समझता कि कुछ भी अच्छा होगा। तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले आप अपने शरीर को ठीक कीजिए। शरीर को ठीक करने के लिए सुबह जल्दी उठिए। अब देखिए, आपने 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का जो समय है वो आपने अपनी एक्सरसाइज के लिए रखा। 6:30 बजे तक आप अपनी एक्सरसाइज करके फ्री हो, उसके बाद में आप आधे घंटे का गैप लीजिए, आराम कीजिए। आराम का मतलब ये है कि वर्कआउट से जब बॉडी एनर्जी आपने निकाल दी तो उसको दोबारा से वापसी लाने के लिए आप थोड़ा सा आराम कीजिए, आधे घंटे का आराम कीजिए, जिसमें आप कुछ एनर्जी ड्रिंक्स लीजिए, जिसमें आप कोई जूस ले सकते हैं, कोई आप दूध पी सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ खाइए जिससे आपको प्रोटीन्स मिले।
क्योंकि बेसिकली एक्सरसाइज करने के बाद में आपकी जो बॉडी से जो पसीना निकल रहा है या जो प्रोटीन्स निकल चुका है जो कंज्यूम बॉडी कर चुकी है, तो उसको आप दोबारा से भरने के लिए, ताकि आपकी बॉडी दिन भर बहुत अच्छी तरीके से मूव करे, काम करे, तो आपको जो है दूध लेना होगा, जूस लेना होगा, उसके साथ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप खा सकते हैं, कच्चा पनीर, उबले हुए जो चने होते हैं जिसको रात को भिगो के हम लोग काबली चने बोलते हैं, रात को भिगो के रख देते हैं और सुबह हम लोग उसका आप खाइए। और उसके बाद में जो सुबह का ब्रेकफास्ट है, देखिए अब बड़ी अच्छी चीज़ है, 7 बजे तक, 6:30 बजे तक आपने एक्सरसाइज कर ली, मैक्सिमम 7 बजे तक अपना ये जो एनर्जी ड्रिंक्स है या ये खान पीन है, जो भी आराम करने वाला समय है, ये आपका निकल गया। 7 बजे आप फ्री हो गए, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक अपना जो भी नहाना धोना है, पूजा वगैरह करनी है, ये सारा आप कर लीजिए। 8 बजे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, 8 से 8:30 बजे, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ 8:30 बजे तक आप अपनी सुबह की दिनचर्या ख़त्म कर सकते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ के साथ में। और ये सारी एक्टिविटीज़ आपके आने वाले समय के लिए, यानी कि जो दिन का समय आपका स्टार्ट होगा, उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो जहाँ पे आपने जो है अपना 8 या 8:30 बजे तक ये सारा अपना सिस्टम ख़त्म कर लिया ब्रेकफास्ट करने के बाद, अब बहुत से लोगों का ऑफिस टाइमिंग होता है 10 बजे का, या हम लोग सेल्स लाइन के हैं तो हमारी जो घर से निकलने का समय है, अगर हम दूर जा रहे हैं तो हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है, अगर हम लोकल्स में हैं तो 10 बजे हम लोग घर से निकलते हैं और उसके बाद में अपना मार्केट स्टार्ट करते हैं। अब 10 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का जो समय है, 8:30, 9:30, 1.5 घंटे का जो समय है हमारे पास में, उसमें हम क्या करें, बड़ा अच्छा है। आप 8:30 से जो 10 बजे तक का समय है, ब्रेकफास्ट आप कर चुके हैं, एक्सरसाइज आप कर चुके हैं, आपको कुछ करना नहीं है, आप अपने जो दिनचर्या, जो अपने काम आप करने वाले हैं जिससे आपको इनकम्स आती हैं, पैसे आती हैं, उसके आप अपने प्लान्स करना चालू कर दीजिए कि आज मुझे क्या करना है। जैसे आज के टाइम में कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें जो है मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे, मेल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, जूम मीटिंग्स के थ्रू, हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाज़ पे इतने घिरे हुए हैं। अगर कोई लीडर है, अपनी टीम को 1 घंटे के अंदर मोटिवेट कर सकता है, अपने उनको काम सौंप सकता है कि भाई आज आप ये काम कीजिए, आप आज ये काम कीजिए, 1 घंटे के अंदर आप सारी मेल्स चेक कर सकते हैं, उनका रिप्लाई कर सकते हैं। इसी बीच में 10-15 मिनट लगेंगे आपको तैयार होने के लिए, आप अपने कपड़े पहनिए, तैयार होइए, निकलने से पहले आपका लैपटॉप खुला हुआ है, मोबाइल सब चीज़ ओके है, ये सब करने के बाद में आप अपनी टीम को गाइड कर सकते हो, अपनी टीम को वर्किंग पर लगा सकते हो, और वर्किंग करने के बाद में ये सब लोग जो है अपना एक रूटीन्स जब स्टार्ट हो जाएगा, जब आपने ये सब चीज़ कर लिया तो बेसिकली फिर आप अपने काम पे निकल जाइए। जब आप अपने काम पे निकल जाते हैं तो बेसिकली जो आपकी दिन भर की एनर्जी है वो एक सही डायरेक्शन पर लग रही है। अभी क्या है, बेसिकली सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो यही है कि दिनचर्या आप लोगों की ठीक नहीं है। दिनचर्या ठीक होगी तो सब कुछ ठीक होगा। दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडियंस के अंदर खास तौर से, क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म है, तो बेसिकली यहाँ के लोगों की जो प्रवृत्ति है वो आलस, यानी कि जो नेचर है वो आलस वाला ज़्यादा है। इस चीज़ को हमें जो है हटाना पड़ेगा। बॉडी के अंदर आलस नहीं होगा, आप ही देखिएगा, मैं इंडिया की अपनी जलवायु के बारे में बता देता हूँ, जाड़ों के अंदर आपको फुर्ती ज़्यादा महसूस होती होगी गर्मी के मुकाबले, गर्मी में आपको आलस, थकान, ये सब चीज़ें होती होंगी। तो बेसिकली क्या है कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी जलवायु गर्म है, लेकिन इस चीज़ को आप भूल जाइए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने टाइम पे फोकस कीजिए, और अपना जो सिस्टम है जो मैं शुरू से बता रहा हूँ, आदत को बदलिए। सबसे पहले तो देर तक जो सोते हैं लोग, जो देर तक सोते हैं पूरा अपना दिन खराब करते हैं, जो देर से उठते हैं वो भी अपना पूरा दिन खराब कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, आप जल्दी सोइए, जब जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी उठेंगे। और मैंने आपको बताया कि वर्किंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए, सॉरी रूटीन्स को चेंज कीजिए, जब रूटीन्स को चेंज करेंगे तो आपकी वर्किंग स्टाइल चेंज होनी चालू हो जाएगी। आप देखिएगा ये सब चीज़ करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बनेगी, और डेफिनेटली फिर आप जो आगे वर्क करेंगे वो पॉजिटिव ही होगा, उसकी जो एनर्जी होगी, उसकी जो थॉट्स होगी, वो सब पॉजिटिव होगा। तो मेरी जो आज भी इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव है वो यही है कि अपनी आदत को बदलिए। दूसरा, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर्स, देखिए ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर्स, इसको भी बड़ा आप हिसाब से रखिएगा, क्योंकि बेसिकली बड़ा उल्टा सिस्टम बना हुआ है। हम ब्रेकफास्ट सुबह जो है वो भी हैवी करते हैं,
दोपहर का जो लंच है वो भी हम लोग हैवी कर रहे हैं या कभी कभी जो है हल्का कर लेते हैं, लेकिन रात का जो खाना है वो पेल के खाना है। तो जब ये हम ये सब चीज़ करते हैं पेल के खाने में या कुछ ओवर डाइटिंग करते हैं, तो इसका दुष्परिणाम डेफिनेटली आपकी बॉडी की तरफ आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। ब्रेकफास्ट आप टाइम से कीजिए, ऐसा ब्रेकफास्ट कीजिए जो हेल्दी ब्रेकफास्ट हो। दोपहर का जो लंच है वो इस टाइप का कीजिएगा ताकि आपको उससे प्रोटीन्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिले जो आपकी बॉडी के अंदर आपको ऊर्जा प्रदान करे। शाम का जो खाना होता है जिसको हम डिनर बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी सावधानी बरती है, उसको बहुत ज़्यादा देर से मत खाइए। जो लोग 10 बजे 11 बजे रात का डिनर करते हैं, आप देखिएगा उनके साथ में एक प्रॉब्लम होती है, एक तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उन्होंने खाना खाया, कुछ लोग टहलते भी नहीं हैं, तो क्या होता है फैट बढ़ना चालू हो जाता है, कैलोरीज बढ़ना चालू हो जाती है, फिर उनको ये शिकायतें होनी चालू हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो खाने का शेड्यूल है इसको बड़ा आप सुचारू रूप से रखिए, सुधारिए। शाम का जो डिनर है, रात का जो खाना है, वो कोशिश कीजिए आप हल्का खाइए और 7 या 8 बजे तक उसको निपटा लीजिए। 7 बजे तक अगर आप कर लेते हैं बहुत बढ़िया है, अगर 8 बजे तक भी उस खाने को आप खा लेते हैं लाइट हल्का, जहाँ पे हैवी नहीं। रात को चावल आप अवॉइड कीजिए, चावल जो है रात के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप रात में सेवन कीजिए सब्जी का, रोटीज़ का, वो भी कम से कम। तो इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कीजिए आप, और इससे देखिएगा काफ़ी फ़र्क आ जाएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि मैं टाइम टू टाइम आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बना के भेजता रहता हूँ। आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट्स करिए, और भी कुछ नई वीडियोस अगर बनानी होंगी उसके लिए। और जो अभी का मेरा टॉपिक इस वीडियो का है कि दोबारा से बता देता हूँ कि आदत को चेंज कीजिए। जब आप आदत को बदल लेंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी अपने आप बदलने चालू हो जाएगी। आप आदत को नहीं बदलेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी जो चल रही थी वही चलती रहेगी। आप एक रूटीन्स वर्क कर रहे हैं, एक नॉर्मल आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो रही है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और नॉर्मल आप जो काम सारे कर रहे हैं वो भी आप काम करके मर जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आपको अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी आदत को नहीं बदलते हैं तो आपकी जीवन में 110% में क्लियर बोल रहा हूँ, आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। आप कोशिश कीजिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो स्केल से ऊपर तक उठे हैं, वो अर्ली राइजर्स हैं, अर्ली उठने वाले लोग हैं जो जल्दी उठते हैं, जिसमें मिस्टर सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, बहुत सारे एक्टर्स। अभी देखिएगा बहुत सारे लोगों का विचार आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस भी हैं और नाइट में लेट भी सो रहे हैं और सुबह लेट तक उठ रहे हैं। तो एक चीज़ और बता देता हूँ, बेसिकली क्या है, कुदरती टैलेंट्स, कुछ लोगों के अंदर कुदरती टैलेंट्स होता है। जैसे कपिल शर्मा शो, जो कपिल शर्मा जी शर्मा हैं, उसके उनके अंदर एक नेचुरल जो है क्वालिटी है जिसको उन्होंने सिर्फ और इम्प्रूव किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये खुद पैदा करी है, ये जेनेटिक है उनके अंदर, और इस चीज़ को उन्होंने क्या कहते हैं उसको, रिप्रेजेंट कर करके, रिप्रेजेंट एक्सरसाइज कर करके, रिपीट्स अपनी कर करके इसको अपने आप को और सुधार लिया उन्होंने। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ज़ीरो लेवल पे जिसको पता ही नहीं है कि करना क्या है और हो क्या रहा है, रूटीन स्लैब दे रहा है, उसको ये काम करना बड़ा ज़रूरी है। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर अपनी आदत को चेंज कीजिए, अपने सुबह की उठने की आदत को चेंज कीजिए, बदलिए खाने की आदत को, बदलिए अपना वर्किंग स्टाइल आप चेंज कीजिए, तो देखिएगा आप डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आपकी जीवन में बहुत सारी तरक्की होती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में।